दिया एक ऑर्डर, आगे जाके कॉलर को एक और एक लाइन है उसको पानी पिलाना है, बाकी देखते हैं पानी की जरूरत है तो पानी पिलाएंगे, आगे एक और एक लाइन को पिलाएंगे, आगे जो देखते हैं आगे वाले जमीन को कितना जरूरत है, सारे जमीन को देखेंगे कितना जरूरत है पानी उसको पिलाएंगे, क्योंकि एक दिन दो दिन में पानी खत्म होने वाला है। देखते हैं क्या देख रहे वाला दो जमीन को पानी की जरूरत नहीं। अब्बा ने कहा एक ओड़ को पिलाओ बाकी लोड़े ही, एक ओड़ को इतना मेहनत करा रहे अब्बा, सच्ची मोहब्बत सच्ची बोल रहा है, बाढ़ में इतना मेहनत उसे करवा वहाँ पर वो इर्शाद भाई काम कर रहे, इर्शाद बाद में जा देख रहा है पता नहीं किसका धारा कौन है उसका कहानी सुन रहा है, और इसमें भी घास पैदा हो गया, इसको दवा दिया था ये कैसे हो गया सारा घास इसमें। अपने सिर्फ एक लाइन के लिए मेरे मेहनत करा है, ये एक लाइन इसके लिए एक लाइन आप दिखा दो कितने दिन जाता है, वो यहाँ से जाता है अच्छा घूम कर आता है, ये तो एक लाइन के, बाकी जो पानी है मैं दिया हुआ है पानी ख़त्म हो जाएगा इसलिए ये और सूख गया इसलिए पानी दे रहे हैं, वो थक गया हूँ बहुत इसलिए जो तेज से सांस ले रहा हूँ। बंद कर रहे हैं बाद में इस तरह बंद जी अभी जाके मार खोलता हूँ वहां पर भी ये खुला हुआ है। वहाँ पर चल के मॉड्यूल खोलते हैं, बहुत बड़ा मॉड्यूल है, चेंज नहर में पानी भी बहुत है, फुल लगा हुआ है मिट्टी से, इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा और बंद करने में बहुत टाइम लग जाएगा, नहर बहुत पानी है इसलिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोग दिखाऊँ कि नहर में किस तरीके से नहाते हैं हम लोग, और बच्चे लोग कितना मज़ा इंजॉय करते हैं वो तो आप लोग वो भी दिखा नेक्स्ट वीडियो, अभी तो बच्चे नहीं तो बच्चे आएंगे तो उनके साथ वीडियो बनाऊंगा। माशाल्लाह पहली बार उतर रहा था, पर भाई इतना डूब जाए तुम्हें ध्यान रखना, इतना किस जाते जाते ऐसे घुस जा पानी में, ओ भाई भाई साहब साहब लगाते हैं, चलो भाई ये तो खोलो बाद में टुबकियाँ टुबकियाँ लगाएंगे, हमें तो टुबकियाँ लगाना भी नहीं आता है, वो छोटे बच्चे ऐसे उड़ के जाते हैं जैसे वो आसमान में वो परंदे उड़ रहे हैं। अबे दो लपो ही उतार रहे थे, मुझे लगा 100 लपो है, बस हाथ लगा वो बरोटा निकल गया है। हाथ लगा मॉड्यूल टूट जाएगा, नीचे नीचे पांव वो वाला पांव की तरफ देखो यार, ये जोर लगा खुल गया, खुला तो नहीं अभी, क्या ढूंढ रहे बुरा ना ना, दो ही बरोटा जाए ना, दूसरा बरोटा भी
मैंने बंद किया था। दो बार उठे हैं यार, ये दूसरा वाला मिल गया। दौर लगा, अभी देख कैसे गुलाटी मार के जाता है पानी। खींचो इसको, मैंने बंद किया था, मुझे नहीं पता होगा। पानी उधर देखते हैं कितना पानी, तो बहुत है यार। हाँ तो कपास को पानी देना, कैसे कपास को पानी देते हैं यार, भाई को देखना चाहते। ये देखो भाई, इधर इधर मारो भाई, बंद करने बैठी ने ना। पकड़े मोबाइल पकड़, यहाँ पर नाली लगाया हुआ है, पानी कम मिलता है इन लोगों को, तो इसलिए ये यहाँ पर खेरा। ये वो सामने माडूल हुआ, इसलिए जो नहर से वो जो ज़मीन है, हमारे चाचा भी पानी पिला रहा है, अभी हम भी पानी पिलाएंगे वहाँ पर। तो आज जो काम है सारा ज़मीन जो पानी पिलाना का काम है, तो आप लोगों को ये भी शेयर करता हूँ कि पानी पिलाने में कितना धोखे झेलने पड़ते हैं, कितना फार्मर का काम जो बहुत ईजी नहीं है, तो इसलिए काम करते हैं बहुत मेहनत से, सिला भी मिलता है बहुत अच्छा। इंशाल्लाह बहुत ही होंगे, अभी जो छोटे हैं यार, पानी ख़त्म हो जाएगा ना, इसलिए पिला रहे हैं। चाचा को घास है कपास, तो सामने जो है उनको खोल दिया है, तो आधा का है, मुझे फुल हो गया है, देखते हैं कितना फुल है। मुझे आधा से कम लग रहा है अभी, तो जो है एक वैसा भी मुश्किल से फुल हो गया है। तो वहाँ से देखो वहाँ तक ज़मीन है, तो यहाँ तक फुल हुआ है। कैसा लग रहा है, आधा फुल है या फुल जो एक वैसा या दो वैसा फुल है वहाँ? ये हमारे गंद बहुत हो जाते हैं ज़मीन में, पता नहीं क्यों देते हैं मेरे ख्याल में, इसलिए जो ज़मीन जो गीला हो जाता है, इसलिए गंद पैदा हो जाए। और यहाँ पे अब्बा ने जो घास पहले तोड़ने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर चावल फसल लगाने की, अभी जो इनका तैयारी हो गया फिर कपास का, तो अच्छा किया क्योंकि कपास में बहुत फ़ायदा मिलता है। चावल का फसल बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसमें जो इतना मेहनत नहीं करना उसे आधा करना पड़ता है। यहाँ पर चल रहा है छोटा सा, ये चाचा ने खोला है, मेरा वाला इतना बड़ा है, मैं खोलूँगा बंद करने में बहुत मुश्किल होगी। नहीं होता है नहर में खड़ा होता है वो पानी भी, हमारे जो माटी को निकाल देता है। ज़मीन में पानी चल रहा है। आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया दोस्तों।